इस साल भरतपुर में ये पहला साल जो 20 साल में देख रहा हूँ कि इतना पानी केवला देव में आया है कि चिड़िया आनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है 20 साल से मेरे उसके साथ। तो अभी टाइम हो गया है अप्रॉक्स 12:20 और 12:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है दबाग में, तो उसके लिए मैं और श्याम जी निकल चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखते हैं, फिर कोई लंच वंच और उसके बाद शाम को फिर मीटिंग है। तो शेड्यूल आज का यही है। और एक्चुअली ग्लोबल बर्निंग वीकेंड जो मनाया जाएगा 5 से 10 अक्टूबर तक के बीच में, उसकी तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और उसी की तैयारियों के चक्कर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम होटल द बाग जा रहे हैं। और अब सीधा मैं आपको होटल द बाग में मिलूँगा। भरतपुर बर्डिंग वीकेंड जो है ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे साथ ये मेरा ये भरतपुर के लिए जो चीज़ हम कर रहे हैं बेसिकली भरतपुर के लिए है। फ्लाईवे प्रोजेक्ट जो बर्ड्स आती हैं जो सर्कुलेशन माइग्रेट करके आते हैं, उनको स्टडी करना, उनको विंग करने का जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भरतपुर में है। उनके 4 साइंटिस्ट यहाँ रहते हैं पिछले 2 साल से, और वहाँ पर क्या है कि उनका एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कंजर्वेशन उसके लिए। तो वो टीम पूरी इनकी यहाँ पे आ जाएगी 5 तारीख को। तो आपके BRHS के साइंटिस्ट हैं, वो क्या है वो बताएंगे कि फ्लाईवे प्रोजेक्ट क्या है, आजकल क्या हो रहा है चिड़ियों के उसके ऊपर, किस तरह से वो वातावरण या इन्वायरमेंट बदल रहा है तो उससे क्या पक्षियों में फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली ह्यूमन बींग पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। इस साल भरतपुर में ये पहला साल जो 20 साल में देख रहा हूँ कि इतना पानी केवला देव में आया है कि चिड़िया आनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है 20 साल से मेरे उसके साथ। तो ऐसा पानी कैसे आए तो उसको रिसर्च के लिए जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो WWF के जो साइंटिस्ट हैं वो भी आके लेक्चर्स देंगे। तो मीटिंग चल रही है, ऐसा बता रहे हैं जितने भी मीडिया से लोग आए हुए हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हियर इज नॉट के देखो और इंटरनेट पे देखो ग्लोबल बर्डिंग भरतपुर बर्डिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई ख़त्म और बहुत अच्छा बोले और अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए जितने भी प्रेस में से लोग आए थे, और अब काफ़ी अच्छा रहा। राज सिंह जी ने एक एक करके हर चीज़ का जवाब दिया। कुछ उनके क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से हट के थे कि भाई कैसे किया जाए, थोड़े पॉलिटिकल इशू हैं, कुछ लोकल इशू हैं, उनमें राज सिंह जी ने अपनी तरफ से थोड़ा सा यही कहा कि आप खुद देखिए कैसे कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से बात कीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, वो भी ठीक है क्योंकि वो एक्चुअली क्या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं चीज़ों में, क्योंकि वो पॉलिटिकल चीज़ें तो वो हो नहीं सकता। हालांकि ये पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आप पहल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही डेडिकेट हैं, बर्ड्स को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करते हैं। तो ये मीटिंग अभी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, लंच करेंगे ये लोग, उसके बाद सब जाएंगे और 4:30 बजे फिर दोबारा हमारी एक मीटिंग है और आज डिसाइड होगा कि कितने वॉलेंटियर आते हैं, कितने जुड़ते हैं, क्या होता है। तो चलिए लंच करके फिर दोबारा 4:30 बजे मिलूँगा आपको, अगर बीच में कुछ दिखा सका और एक आध लोगों से। और अपने मेघश्याम जी हैं पत्रिका से, हाँ, अपने रोहित जी धौलपुर से स्पेशली इसके लिए आए पत्रिका से। देखिए आप करिए, देखिए हम ये जो हम कर रहे हैं ये हम किसी अपने ऊपर कर रहे हैं, भरतपुर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर कर रहे हैं, भरतपुर के लिए कर रहे हैं और अच्छे के लिए कर रहे हैं, और इससे आपका भी हमको पूरा प्रयास चाहिए, इसीलिए बुलाया है। पिछली साल जब हमने किया था ना, हमने कुछ नहीं किया, क्यों, पहली बार था, हमने लोगों को देखा, किया, पूरी मेहनत की, बढ़िया हो गया, हमने कहा ये तो बहुत अच्छा, और इसमें हमको भरतपुर को पब्लिसिटी आई, ऐसी बात नहीं, इंटरनेशनली आई, जब हमने ग्लोबल बर्डिंग में किया तो आई। क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से इसकी रूपरेखा आपने बनाई है और ब्रीफ कराया सर?
हम इस साल दूसरी बार भरतपुर बर्डिंग वीक भरतपुर में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो जितनी भी चिड़िया देखेंगे वो उनको अपने एक ऐप पे डालेंगे और वो ही उसी टाइम में ग्लोबल बर्डिंग होगा, इंटरनेशनल इवेंट। और इंटरनेशनल इवेंट में क्या होगा कि हमारे इंडिया की जो भी लिस्ट है यहाँ से जाएगी और हमारी बर्ड वॉचिंग में इंडिया की रैंकिंग आएगी। पिछले साल जब हमने ये किया था तो इंडिया की रैंकिंग 7वीं थी, इस साल हमें आशा है कि हमारी रैंकिंग उससे भी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो ये हमारा लोकल भरतपुर के लिए, नेशनल इंडिया के लिए और इंटरनेशनल इवेंट है और इससे हमको भरतपुर को बहुत एक्सपोजर मिलेगा और भरतपुर दोबारा से फिर बर्ड वॉचिंग के लिए लाइमलाइट पे आएगा। लंच वगैरह हमने खा लिया, राज सिंह जी का एक छोटा सा इंटरव्यू भी हो गया, काफ़ी शानदार, बहुत ही बढ़िया आदमी है और सबसे बड़ी बात है नेचर के लिए जान देते हैं। गाइड्स हैं और आपका रिक्शा पुलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बारे में बताएंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। एंड हमारा 8 तारीख और 9 तारीख 10 तारीख 3 दिन हमारी बर्डिंग टीम, जो कि हमारी 20 या 22 बर्डिंग टीम है भरतपुर की, जो अलग अलग एरियाज में जाएंगी वहाँ पर उसको बर्ड्स को रिकॉर्ड करेंगी। तो मीटिंग हो गई ख़त्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 12:30 बजे के करीब स्टार्ट हुई थी, 1:15 बजे के करीब उसको एंड किया, उसके बाद लंच हुआ, लंच किया हमने, छोटा मोटा इंटरव्यू भी हुआ। भी रिपोर्टर थे, उन्होंने जो क्वेश्चन किए राशि जी ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए और आई होप कि उनका एक्चुअली क्या मेन मोटो ये है कि किसी तरह बर्ड्स के लिए कंजर्वेशन किया जाए, कंजर्वेशन के लिए ही सारा सब कुछ हो रहा है। राज सिंह जी बहुत ही डेडिकेट हैं, किस तरीके से भरतपुर को एक उस मुकाम पर पहुंचाया जाए, वो रास्ते में कह भी रहे थे मैं चाहूं तो मैं बाहर भी रह सकता हूं, लेकिन हां मैं इसीलिए लग रहा हूं क्योंकि मैं भरतपुर का हूं और मैं रहते सहते मैंने पैसा बहुत कमाया लेकिन मैं भरतपुर के लिए कुछ करना चाहता हूं। भरतपुर से उनको प्यार है, लगाव है, हमारा जो भरतपुर है वो उनकी जन्मस्थली है तो वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, बढ़िया हो जाए लोग। अच्छा, जब कंजर्वेशन होगा जितनी भी NGOs हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं जो आएँगी भरतपुर में, तो उससे रोज़गार के अवसर होंगे, बर्ड्स होंगी तो लोग भी आएंगे और फिर उस लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। कंजर्वेशन के लिए हर किसी को करना चाहिए, तो उसी दिशा में ये प्रयास हो रहा है। और इस वीकेंड को जो होने वाला है 5 से 10 अक्टूबर मेनली जो होगा वो 8, 9, 10 तीन दिन माना जाएगा, 3 दिन का वीकेंड है जिसमें बर्ड वॉचिंग होगी, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ट्रेल्स पर जाएंगे, बर्ड की स्पीसीज़ को फाइंड आउट करेंगे कितनी स्पीसीज़ मिल रही हैं। और जैसे मैंने पहले बताया उससे साइंटिस्ट जो हैं जो इस पर लगे हुए हैं उनको काफ़ी सोचने समझने का एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म मिलेगा कि उस जगह पर पहले ये था और आज ये है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए हम सभी को एक जी जान से जुड़ना चाहिए। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़ें, अपनी कहीं भी जो आपके आसपास, मैंने आपको जैसे बताया था आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, आप ई बर्ड पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, आसपास की जितनी भी आपको बर्ड्स वगैरह दिख रही हैं उसको उसमें लिस्टिंग करना बहुत ही ईजी है। एक बार फिर इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा बिल्कुल तरीके से शुरू से, वो शायद कल बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कल बन जाए, तो उसमें आप देखना कि किस तरीके से ई बर्ड काम करता है और किस तरीके से आप उस पर चेकलिस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब एक मीटिंग और है 4:30 बजे, अब डायरेक्टली उसी मीटिंग में मैं आपको फिर से मिलूँगा। आज से ऐसा लग रहा है कि जो हम वीकेंड की तैयारी कर रही हैं स्टार्टिंग हो चुकी है, काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने हिस्सा लिया और मीडिया से काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, हमारा प्रयास भी हम एक तरीके से मान रहे हैं ऐसा सक्सेसफुल है, जितने हमने बुलाए उस हिसाब से अच्छे आए लोग और लोगों ने काफ़ी उसमें अपना दिखाया भी, उत्साह भी दिखाया और उन्होंने क्वेश्चन भी किए जिसका राज सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सटीक जवाब दिया। कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल वाले थे तो उन्होंने उसको इग्नोर किया, राज सिंह जी ने बताना उचित नहीं समझा क्योंकि एक्चुअली क्या वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है वो काफ़ी डेडिकेट हैं अपनी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए भरतपुर के लिए। उन्होंने कहा भी था बीच में एक इंटरव्यू में, कह रहे थे मैं सुन रहा था, पैसा मैंने बहुत कमाया लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ भरतपुर के लिए, तो ये उनका एक बहुत ही शानदार एफर्ट है। तो मैं अंसार से भी पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा बताए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ और उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ तो कुछ कहना चाहेगा क्या इसके बारे में? मैं बोलना चाहूँगा कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को बुलाया था तो हमें लगता था कि 15 से 16 लोग ही आएंगे जी, पर पूरी मीडिया ने भरतपुर की ने काफ़ी सपोर्ट किया और जिस सारे लोग आए और उसमें लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था, सभी लोग है ना वाइल्ड लाइफ को लेके राज सिंह जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे और राज सिंह जी उसका बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे थे। बिल्कुल सो मुझे लगता है कि अगर प्रेस का और मीडिया का साथ भी हमारे संग में रहा
तो जो राज सिंह जी का मेन उद्देश्य है कि कैसे भी करके भरतपुर को वापस से वही भरतपुर चमकाएं जो पहले जाना जाता था। पूरी दुनिया में अगर कोई पूछता था कि भाई बर्डिंग के लिए कहाँ जाए, तो एक ही नाम होता था कि घना नेशनल पार्क चले जाओ, केवलादेव नेशनल पार्क चले जाओ। तो राज सिंह जी उसी का प्रयास कर रहे हैं और हम सब उन्हीं की टीम है, तो हमारा प्रयास उनके साथ है और उसको और बढ़ चढ़ के अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे घनश्याम जी बैठे हुए हैं, ये भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे 100%। इनके मुँह से भी दो शब्द हम सुनते हैं आज। हाँ जी श्याम जी, क्या विचार हैं आज आपके? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही सक्सेस मीडिया कॉन्फ्रेंस था ये जी। और बाकी सारी चीज़ें उन लोगों के दिमाग में जो थी वो सब जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं राज सिंह जी, उन्होंने क्लियर कर दी हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मीडिया है और उनका जिस हिसाब से उत्साह आज देखने को मिला, वही उत्साह अगर लास्ट तक बना रहता है तो हम बहुत अच्छा कुछ कवर कर पाएंगे। और जो हमारे एक उद्देश्य है कंजर्वेशन के लिए और भरतपुर को वापस से वही भरतपुर बनाने के लिए, उसमें हम सफल हो पाएंगे। बिल्कुल 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 100% उनका बहुत साथ जरूरी है और उसके लिए ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पिछली बार भी जब इवेंट हुआ था तो हमको भी नहीं पता था, राज सिंह जी भी सोच रहे थे वास्तव में इतना बढ़िया हो गया तो क्यों ना इसको एक अलग तरीके से किया जाए, और इसी तरफ हम अब की बार प्रयास कर रहे हैं और 100% बेटर बनेगा। तो दोबारा एक बार 4:30 बजे फिर मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आएंगे और उनके संग मीटिंग होगी और किस तरीके से ट्रेल वेल ये सब डिसाइड होगी। राज सिंह जी के संग हम दोबारा बैठेंगे 4:30 बजे, तो बने रहिए। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो लेकिन मज़ा बहुत आएगा। तो अभी स्टार्ट होगी वॉलंटियर मीटिंग और तो देखते हैं क्या होता है, कितने लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म किया है, कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी। अभी 4:30 बजे से है मीटिंग और अभी टाइम 4:25 हो चुका है, 5 मिनट रह गई हैं मीटिंग स्टार्ट होने में। और स्ट्रेंथ लग रहा है कि काफ़ी अच्छी आएगी, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह तो अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको ये तो पता है कि DLHS के साइंटिस्ट वापस आ गए हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी देयर देयर ऑलरेडी गॉट परमिशन फॉर ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। ट्रेड में या लाइफ में जितने ही ज़्यादा आप सीखोगे सुनोगे उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये तो अपना नॉर्मल जैसे 20 लोगों के लिए, 25 लोगों के लिए, 30 लोगों के लिए अपना अलग से हो गया लेक्चर, उससे ज़्यादा हम नहीं करना चाहते कि 15-20 से ज़्यादा एक उसमें नहीं कर सकता आगे। तो ठीक है, वर्ड सीरीज 10th को और शाम को क्लोजिंग सेरेमनी जहाँ पे आपके पार्टिसिपेशन दोपहर को 3 बजे है, जहाँ पे आपको तो मतलब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स और सेरेमनी पूरा मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर इवन ग्रैंड फादर सबसे पहले पार्क में थे, हम ही लोग की फैमिली जो बस में पार्क में आई थी वही थी। तो आज की मीटिंग हो गई ख़त्म और अब हम निकल लिए हैं दबाग से। तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, करीब अराउंड 35 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एज ए वॉलंटियर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उन्होंने। तो बाकी की प्रक्रियाएं बाद में स्टार्ट होंगी। अभी अब जैसे एक्चुअली क्या आज से ये समझ लो स्टार्टिंग हो गई और अब मीटिंग डे बाई डे स्टार्ट हो गई है। तो बहुत अच्छा इवेंट होगा, 100% होगा। और मैंने इतने मोर हैं यहाँ पर कहीं नहीं देखे, इतने मोर हैं यहाँ पर। और मेरी बात हो रही थी गुड्डू से जो यहाँ का नेचुरलिस्ट है दबाग का, वो बता रहा था करीब अराउंड 200 के आसपास मोर उन्होंने काउंट किए हैं, 200 पीकॉक्स। और बाकी अभी ये जो मीटिंग ख़त्म हो जाएंगी ना 10 तारीख 10 अक्टूबर को हम फ्री हो जाएंगे, फिर किसी दिन मैं अंसार के साथ आऊँगा, बस पूरे दबाग का एक ब्लॉग बनाऊँगा जो पहले भी मैंने कहा था आपसे। तो अब निकलते हैं, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज काफ़ी पूरा दिन हो गया मीटिंग्स में, तो थकान देने वाला दिन था आज, लेकिन जो भी हुआ बढ़िया हुआ, लोगों ने काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी बहुत शानदार हुई थी, उसमें भी करीब 20-25 अपने रिपोर्टर्स वगैरह आए थे और काफ़ी अच्छा उनका रेस्पॉन्स था। और न्यूज़ पर आ चुका है, अभी देख रहा था मैं, अंसार भी दिखा रहा था मुझे, न्यूज़ पर ये रिपोर्ट आ गई है कि इस तरीके से एक इवेंट होने वाला है। और
बाकी बहुत अच्छा दिन जा रहा है और अब यहाँ से निकलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं और अब घर के लिए निकलेंगे। फिर इसमें एडिटिंग वेडिटिंग भी करनी पड़ेगी, फिर ये वीडियो शायद कल मिलेगी आपको, आज तो मुश्किल मिलेगी। अगर हो सका तो आज रात तक डाल दूंगा, नहीं फिर कल डालूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।